everyone, welcome back to our channel Billion Education, where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज हम लोग करने वाले हैं प्लूचिक मॉडल. जी हाँ, प्लूचिक मॉडल. पहला मॉडल हमारे इमोशन का. तो बेसिकली हमने 6 टाइप के इमोशन पढ़ लिए हैं. अब जिन्होंने वो पढ़ लिया, अब उसी के बेसिस पे पूरा का पूरा बेस आगे जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू प्लूचिक, इमोशंस हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर इंक्रीजिंग आवर चांसेस ऑफ सर्वाइवल. जो बोलते हैं कि जो लोग वीक होते हैं इमोशनली या कुछ भी, तो इमोशन को जोड़ना ऐसे गलत होता है. इमोशंस आए हैं, इवॉल्व, हमारी इवोल्यूशन का पार्ट है. जी हाँ, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो थियोरी है चार्ल्स डार्विन की, उसे प्रूव करने के लिए आई है. जी हाँ, तो इमोशनल होना ठीक है, इमोशनल होकर डिसीजन लेना खराब है. इन दिस मॉडल ही स्टेटेड दैट देयर आर 8 बेसिक इमोशंस. हमने पढ़े थे 6 इसके पहले. तो जॉय, ट्रस्ट, फियर. तो जॉय को हमने हैप्पीनेस पढ़ा था, याद होना चाहिए आप लोग को. और ट्रस्ट इनमें नया दिख रहा है. फियर हमने पढ़ा, तो सरप्राइज पढ़ा था, सैडनेस पढ़ा था, एंटिसिपेशन नया इनका. तो ये दूसरा इनका नया है. बाकी 6+2 हो गया 8. तो जो नए इमोशन है वो आप पा सकते हैं, तो वो है ट्रस्ट एंड हमारा एंटिसिपेशन, एंगर एंड डिस्गस्ट. सो ईच प्राइमरी इमोशन, तो ये जो 8 है इनके, ये प्राइमरी इमोशन है. प्राइमरी इमोशंस ऑल्सो हैज इट्स पोलर अपोजिट. मतलब एग्जाम्पल, जॉय इज अपोजिट ऑफ सैडनेस एंड फियर इज अपोजिट ऑफ एंगर. तो मतलब देखिए, आप डायग्राम देखोगे तो अभी इससे समझते जाएंगे कि देखिए यहाँ पे जॉय है, उसका एकदम अपोजिट सैडनेस है. तो पोलर एंड है, पोल एक पोल दूसरे पोल के एकदम अपोजिट रहेगा. तो वैसा इन्होंने मॉडल बनाया था, अच्छा मॉडल है, आप लोग को लाइफ में यूजफुल रहेगा. प्लूचिक क्रिएटेड द व्हील ऑफ इमोशंस विच डिपिक्ट्स द वेरियस रिलेशनशिप अमंग द इमोशंस. तो देखिए ये व्हील है पूरा इनका, ये जो पूरा चार्ट आप देख रहे, ये पूरा इमोशन का डायग्राम है. तो इसमें इमोशंस के बहुत सारे टाइप बताए गए हैं, जो बेस्ड है 8 प्राइमरी पे. जी हाँ, द इंटेंसिटी ऑफ इमोशन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है. अगर प्लूचिक मॉडल आए आप लोगों, तो आपको लिखना आना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ इमोशन डिक्रीज होता है एज वी मूव आउटवर्ड एंड इट इंक्रीजेस एज वी मूव इनवर्ड सेंटर. इनवर्ड मतलब क्या, जैसे कि आप ये समझिए, ये जॉय ही पकड़ते, जॉय में अंदर अंदर जाओगे आप, अंदर अंदर इनवर्ड, तो आपका इमोशन कैसा होता जाएगा, ये हमारा स्ट्रांग होता जाएगा. और जैसे ही आप बाहर की तरफ जाओगे, तो कलर देखिए, कलर कॉम्बिनेशन, ये येल्लो है, डार्क येल्लो, लाइट येल्लो और लाइट येल्लो, वाइटी हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है. तो यहाँ पे आउटवर्ड जाओगे, आउटवर्ड तो इमोशन कम होते हैं, इनवर्ड जाओगे तो इमोशन स्ट्रांग होते जाते हैं, वही वाला जो प्राइमरी इमोशन है. The color indicates the intensity. तो color देखिए intensity बता रहा है, जितना ज्यादा dark है उतना strong intensity है. The darker the shade, the more intense is the emotion. Example, anger, when it least intense, it is called annoyance. तो नहीं बोलते हम लोग annoy मत करो मुझे. तो देखिए यहाँ पे हमारा anger का point यहाँ पे देख लीजिए. Anger, vigilance, anticipation, anger. जी अब यहाँ पे एंगर है, देखिए रेड में दिखा है, अंदर रेज है. रेज मतलब पूरा बदला लेना, मारा पीढ़ी पे आ जाना, मतलब कि पूरा सोच के रखना कि बदला लूंगा. इसका आउटर पार्ट देखिए लाइटर का, अनाउंस होना, चिढ़ना, ठीक है. एंड व्हेन इट रीचेस एट इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेंसिटी, इट बिकम्स रेज. तो बोलते हैं रोड रेज हो गया है, मतलब एकदम उतर गए, एकदम गुस्सा है, गुस्सा होना, मुझे गुस्सा आ रहा है, और एक गुस्सा होकर आपने डिसीजन लिया और आप एक्शन करने जा रहे हो, तो दैट्स एन रेज. Emotions which with no color depicts combination of two primary emotions. जैसे कि ये जो जोन देख रहे हो, यहाँ पे कलर नहीं है, ये जो हमारा जोन है पूरा का पूरा, यहाँ पे देखिए, फिर आप यहाँ पे देखिए, ये सब जो जोन है यहाँ पे कोई कलर नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन है. तो यहाँ पे दो, ये दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन ये है जो लिखा है. इरेज कर देता हूँ, आप लोग पढ़ पाओगे. तो आप देखिए यहाँ पे द जॉय एंड ट्रस्ट कंबाइन टू बी लव. तो आप देखिए यहाँ पे जॉय है और यहाँ पे ट्रस्ट है, ये दोनों के बीच में लव होता है. जब जॉय भी हो, मजा भी आए और विश्वास भी हो, तो उसे लव बोलते हैं. अब कुछ लोग इसमें डिबेट करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ जानना, और ये सब मैं आपको बात करना है. जो साइकोलॉजी जान जाएंगे, प्लीज़ ये लैंग्वेज यूज करना शुरू करिए. आप लोग को डिफरेंस बिटवीन द इमोशन समझना पड़ा, व्हाट इज अनाउंस, व्हाट इज एंगर, व्हाट इज रेज. रेज इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इमोशन विच
विच हैज प्राइमरी इमोशन एज एन एंगर। ऐसे बात करेंगे तो लगेगा कि मेरा पढ़ाने का वर्थ हुआ और आपके समझने का वर्थ हुआ कि साइकोलॉजी आपने लिया है। प्रोजेक्ट स्टेट्स दैट द इमोशंस आर ऑफन कॉम्प्लेक्स। सबको यही बोले इमोशन कॉम्प्लेक्स नहीं होता, जितना हम लोग समझते हैं उतना ईजी होता नहीं है। एंड वी एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स इमोशन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कोई पूछे कि हमेशा जिंदगी भर दिन भर में हम लोग जो फील करते हैं दैट इज मोस्ट ऑफ द इमोशन, क्या सिंपल होते हैं वो? तो सब लोग लगे हाँ सर सिंपल ही रहते हैं, गुस्सा आता है ये सब होता है, ऐसा नहीं। मोस्ट ऑफ द इमोशन जो रहते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, मिक्स रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना आपको। रुचिक मॉडल इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इमोशनल लिटरेसी। आप लोगों को पता है, पढ़ते रहना चाहिए कि टाइप ऑफ में बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज इसे रट दीजिए कि सैडनेस के कौन कौन से लेवल थे। ग्रीफ, जब कोई घर में से निकल जाता है तो ग्रीफ होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, और उसके ऊपर होता है पेंसिवेंसेस। पर्सिवेंसेस क्या लिखा है इसने, एक सेकेंड, हाँ पेंसिवेंसेस। तो इसके बाद हम लोग को याद रखना चाहिए कि कौन से इमोशन के कितने जब लोअर लेवल क्या है, अपर लेवल क्या होता है। तो प्लीज़ पढ़ लीजिए ऐसे कि अब हमारा जो प्राइमरी इमोशन है यहाँ पे ये है डिस्गस्ट। डिस्गस्ट आप लोग को याद रखना चाहिए कि द फीलिंग वेयर वन डू नॉट एक्सेप्ट एनी फैक्ट और एनी पर्सन। तो मैं किसी भी फैक्ट और फिगर को मुझे पसंद नहीं है, तो मैं दोनों को क्या होता है, मैं डिस्गस्ट, वो फीलिंग जो आती है जो पसंद ना होने की, और मैं जो ना उसको ना पसंद करता हूँ, तो उसको बोल देंगे हम लोग डिस्गस्ट रहता है। इसका लोअर लेवल भी आप लोगों को पता है बोर्डम, और इसका अपर लेवल भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। जैसे हम लोग डीप में जाएंगे तो वो अपर लेवल पे आएगा। सो दैट इज नॉट ओनली हैविंग वर्ड्स फॉर इमोशंस बट अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट इमोशंस आर रिलेटेड टू वन अनदर। मतलब कैसे, जो हमने बोला था ना जो खाली जगह हैं ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड। अगर कोई पूछ दे आप लोग को ये अगर चार्ट दे दे एग्जाम में, बताइए कि हमारा जैसे कि जॉय और ट्रस्ट के बीच में क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे कि लव रहता है। ठीक है, आप बोलेंगे फियर और सरप्राइज के बीच में क्या होगा, फियर और सरप्राइज है, तो आप हमेशा किस में रहोगे, आव में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ऐसा आप लोग को आ सकता है, याद कर लीजिए इस चीज़ को बॉक्स बना के, और जब तक रिमेंबर करेंगे तो एक एजुकेटेड जैसे कि हम लोग को पता रहता है, अगर आप लोग कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हो, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं या कोई और सब्जेक्ट, तो उसके टर्म्स रहते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट करके हर एक चैप्टर में रहते हैं। ये केमिस्ट्री पढ़ी या आप फिजिक्स पढ़िए तो वहाँ पे लॉज होते हैं, न्यूटन के थ्री लॉज हैं, तो हर एक चीज़ के कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को जानना है। तो मैं फर्स्ट टाइम आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि किसी चीज़ को अगर बोलते वक्त यूज़ करना है तो ये चैप्टर का ये पार्ट यूज़ करो। इसलिए मैं बोल रहा था बहुत पहले चैप्टर की शुरुआत में, चैप्टर अच्छा डीप होता जाएगा और बहुत सारे हमारे लाइफ के, जैसे हर चैप्टर हमारे लाइफ में यूज हो रहा है, लेकिन ये चैप्टर डे टू डे में यूज होगा तो आप समझ पाओगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था तीन स्टेज होते हैं, एक होता है इमोशन खुद होता है तो आप दूसरे के इमोशन को समझ पाते, फिर उसको एनालाइज कर पाते, उसी हिसाब से रिएक्ट कर पाते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इमोशन आपके पास होने चाहिए, लेकिन कौन सा टाइप का इमोशन सामने वाला दिखा रहा है तो उस हिसाब से आपको रिएक्ट करना चाहिए, तो उस हिसाब से आप समझ पाते हो कि बैलेंस्ड वे क्या है। चलिए आगे चलते, एंड हाउ दे टेंड टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कब, जब हम गुस्सा हो जाएंगे, समझिए एंगर है, तो वो अगर एंगर बहुत टाइम तक रहे तो वो रेज हो सकता है, तो उसको कम करिए, अनॉयंस होगा, अरे ना नहीं मुझे पसंद नहीं था, तो मतलब अनॉय कर रहा है लड़का या लड़की, तो मतलब ठीक है। सो वी नीड टू कीप अ वॉच ऑन आवर इमोशंस, और खुद पे भी नेम देम अप्रोप्रिएटली एंड एड्रेस देम इन अ हेल्दी वे टू अवॉइड ट्रिगरिंग देम इन फ्यूचर। देखिए बहुत अच्छा बात लिखा बुक ने कि ट्रिगर करके मतलब सेंटर की तरफ मत जाइए, उसमें दूर है फट से समझ जाइए कि आप कौन से लेवल पे हो, कहाँ पे हो, जिस वर्ड के इतना कहाँ पे हो, और अपने को पीछे पुल करना है या पुश करना है और आगे। ठीक है, सो द इमोशंस विच आर नॉट एड्रेस्ड इन अ हेल्दी वे कैन बी अ कॉज, एड्रेस मतलब दिखाया नहीं गया ना, उससे डील किया गया सही तरीके से, कैन बी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे कि सबकी शादी के सब लोग खुश हैं एकदम, माहौल कोई बीच में रोने लगा, फिर इसी तरह से कहीं पे किसी की डेथ हुई, यारो जोर जोर से हंस रहा है, जोक क्रैक कर, फैमिली ये अपने अपने कंट्रोल इमोशन पे कंट्रोल ही नहीं था, एड्रेस करने ही नहीं है, मतलब उसको इमोशन को दिखाने ही नहीं है। फिर दूसरी चीज आपने क्या किया, झगड़ा चल रहा था, आप एकदम लपड़ा तपड़ी हो गए, गुस्सा ठीक है गुस्सा आ रहा था आपको, आर्ग्यूमेंट चल रहा था, एकदम गुस्से में हाथ पैर पीटने लगे, उसको मान लगे, खुद को मान लगे, कितने लेवल तक का दिखाना था ये भी जरूरी था। फिर ऐसे ही हैप्पीनेस, आप थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें पर इतना हैप्पीनेस दिखा दिया कि बस जो दुनिया से उठा ले रहे थे वाह उठा ले, ऐसा भी नहीं करना है कि पूरा छोटी सी खुशी में, तो आपको मालूम ठीक है अच्छा मजा। इसलिए देखो ना हम लोग पार्टी बोलते हैं तो पार्टी इज लाइक वेरी बिग,
और ट्रीट बोलते हैं तो छोटू सा थोड़ा सा कुछ यहाँ पे डोसा वोसा खिला दो बस, पार्टी मतलब मास्टिक होगा कुछ भी ठीक है। अब बैच मतलब तो भाई खतरनाक, 3-4 दिन तक चलेगा सब कुछ एकदम अफड़ा तफड़ी, बैंकरप्ट हो सकते हैं इतना ज़्यादा चलेगा। होपफुली आप लोग समझ पा रहे हो मेरी चीज़ों तो, इतने और तो अपने इमोशन के चाहे साइड डेस हो, अब कहाँ पे कितना दिखाना है, जैसे कि आपका पेंसिल का नोक टूट गया ड्रॉ कर दो, आप फूट फूट के रोगे थोड़ी, अरे मेरे यहाँ से चूड़ियाँ तोड़ लोगे कि मेरी पेंसिल की नोक टूट गई, समझ रहे हो। एग्जाम्पल मैं सिर्फ एग्जाम्पल ऐसे फनी वे में ले रहा हूँ ताकि आप लोग समझो अच्छे से बिहेव करो, और इसी चीज़ पे आपका जॉब मिलेगा और आपको पैसा मिलेगा। इट मे ऑल्सो लीड टू अनहेल्दी बिहेवियरल पैटर्न्स इन फ्यूचर, कॉजिंग एन इम्बैलेंस इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनल लाइफ। अगर पर्सनल आपके हस्बैंड वाइफ हो गए, आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो किसी के, या मॉम डैड का रिलेशन कहीं भी रिलेशन है, और आप पट से फ्लिप कर जाते हो, फ्लिप करना वो अलग अच्छी है, वो तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हम लोग पढ़ ही लेंगे, लेकिन कभी कभी डिजीज होती है, लेकिन प्रॉपर वे में रिएक्ट नहीं करना। हाँ जैसे कि घर वाले प्यार से बुला रहे हैं आपको, जॉय में आओ बाबू आओ, और आप अंदर ना, तो ये इम्बैलेंस हुआ। ऐसे इसी चीज़ों को बोल रहा हूँ, डे टू डे की लाइफ को तो ऐसे फैमिली वाले के साथ रूड होना ठीक है, बाकी आप और दोस्तों के साथ भी हे बनता है चल ना इंजॉय करते है चार, तो कितना रूड होगा, तो ऐसा चीज़ें नहीं करना है। और ये सब चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ में फॉलो करनी है। बुक में भी पर्सनली पहली बार जो ऑथर ने ऐसा लिखा है कि आपको अपने आप पे कंट्रोल करना था, पर्सनैलिटी ऐसे डेवलप करना है, कभी नहीं बोल रहा था कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, कभी नहीं बोला उसने। कॉग्निटिव मतलब आपको बिहेवियर, कॉग्निटिव में आपको आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, थिंकिंग ऐसा, कभी नहीं बोला। इमोशन ने फर्स्ट टाइम बोल रहा है कि आप आपको आपको अपने इमोशन को ऐसे करिए, टोन डाउन करिए या टोन अप करिए जैसा लगे आप लोग को, तो वहाँ पर। और कभी कभी तो कुछ लोग और आ गए होते हैं जो रियल में बहुत बड़ी खुशी है और हो गया, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करते, वो भी जरूरी है कि लाइक बेबी बॉर्न हुआ है और मैंने और खुशियाँ ठीक है हो, तो ये भी अलग फीलिंग हो गई ठीक है। तो इसी बात पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, आप होपफुली कमेंट करोगे कैसा लगा लेक्चर, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा, लेकिन वादे के साथ कि मिलूंगा दोबारा।